गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप क्लास सेवन सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4 हीट मीन्स उष्मा चैप्टर 4 हीट उष्मा। इसमें बच्चों मैंने फर्स्ट वीडियो आपको डाला था और यहाँ पे सेकंड वीडियो है चैप्टर 4 हीट का। इसमें मैं ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ाऊंगा, ट्रांसफर ऑफ हीट थोड़ा सा मैंने इस वीडियो में जिक्र भी किया था। आप अभी तक जान चुके हैं कि हीट क्या है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और यह मूव करती है, एक स्थान से कंडक्ट करती है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट, तो यहाँ की अगर हम बात करें ट्रांसफर ऑफ हीट, देयर आर थ्री मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट के ट्रांसफर होने के थ्री मेथड्स हैं। तो बाय कंडक्शन, पहला है कंडक्शन एंड सेकेंड मेथड है कन्वेक्शन एंड थर्ड मेथड रेडिएशन। तो दीज आर थ्री मेथड, तीन मेथड्स हैं। तो एट फर्स्ट सबसे पहले हमें कंडक्शन के बारे में जानना चाहिए कि व्हाट इज कंडक्शन एंड हाउ हीट ट्रांसफर टू दिस लेयर, राइट। तो कंडक्शन क्या होता है? If we heat one end of metal spoon by tipping it over a gas burner, we find another end is also become hot. तो इसका मतलब है कि वह जो है, जैसे यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कंडक्शन का। मान लीजिए सपोज एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास टॉपियाँ हैं 50, मैंने एक बच्चे को दे दिया है, राइट। अब वो उसको दिया, वो उसके पीछे को ट्रांसफर करता गया, वो पीछे 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 ऐसे, मतलब आपके पूरे क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और स्पेशली जो है बच्चों मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल यानी स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही कंडक्शन में भी होता है कि जब हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर मॉलिक्यूल टू कोल्डर मॉलिक्यूल्स, दैन इट जैसे कभी कभी एक रॉड है, हम इसको अगर वन से देखो, इफ वी हीट वन एंड ऑफ दिस रॉड आयरन रॉड दैन एंड द रॉड एंड ऑफ द दिस रॉड विल आल्सो बिकम हॉट। ये भी हॉट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट होकर और इसको ही ट्रांसफर कर देते हैं। देन यहाँ के मॉलिक्यूल्स इसको ऐसे ऐसे जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पार्टिकल्स अपने आप को ट्रांसफर कर देते हैं। और इन दिस वे हमने देखा कि वो ट्रांसफर हो जाते हैं। और कभी कभी हॉट स्पून और कोल्ड स्पून, हॉट स्पून और कोल्ड स्पून, मान लीजिए ये नहीं है कि हीट ही करना पड़े। जैसे अगर हम इसको एक गर्म रॉड है, एक मान लो हॉट रॉड है और एक कोल्ड रॉड है, तो इसको अगर हम कोल्ड रॉड से टच करा दें, ये कोल्ड रॉड है, तो यहाँ से इसके कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, इसे भी अभी ट्रांसफर होता जाएगा। हीट का रूल चेंज होता है हॉटर टू कोल्डर। हीट कैसे कोल्ड फ्लो करती है? हॉटर प्लेस टू हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट जो है गर्म चीज़ों से ठंडे चीज़ों की तरफ मूव करती है। तो ये आपने देखा है एक्टिविटी ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन सॉलिड। ये जो है केवल सॉलिड में ही होता है। कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट, राइट। मटेरियल टू कोल्ड मटेरियल इन कॉन्टेक्ट विथ
विदाउट मूवमेंट ऑफ मटेरियल एज ए होम। तो ए आपने देखा। सेकेंड मैंने बताया गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर क्या होते हैं समझ लीजिए, मतलब ऐसा जो हीट के कंडक्शन को अलाउ करते हैं, सच कंडक्शन विच अलाउ टू पास हीट थ्रू इट, या सच ऑब्जेक्ट विच अलाउ टू पास हीट थ्रू इट, दैट इज नोन एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड सच ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ टू पास heat through it, that is known as that is poor conductor of heat, or poor conductor है। जैसे ये मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया, चौक है, अगर इसके एक सिरे को हम गर्म करें तो दूसरा सिरा अपने आप नहीं गर्म होगा, राइट, ये पूरा जल कर ही गर्म होगा, हीट ट्रांसफर नहीं करता, तो दिस इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, राइट। जबकि आयरन स्टील जितने भी मेटल्स हैं दो हजार गुड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट। दो मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर, जैसा मैंने आपको बताया वैसा बुक में भी है, राइट। दो मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजली आर कॉल्ड पुअर, ये भी मैंने बताया, राइट। एंड लिक्विड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड गैसेस आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो लिक्विड्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के, जैसे वाटर क्या है, वाटर इज अ पुअर कंडक्टर, राइट। यूजेज ऑफ गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, देखिए ये जो पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर्स होते हैं इनको भी हम अपने दैनिक जीवन में इसका भी यूज कर लेते हैं। जैसे गुड कंडक्टर आर यूज टू कैरी हीट क्विकली वेयर इट इज वांटेड, जहाँ पे उन्हें हीट की आवश्यकता है, जैसे जितने भी हम लोगों के कंटेनर्स हैं, कुकिंग पॉट्स हैं, वे जो है सभी मेटल्स के होते हैं जिसमें ये आसानी से बहुत जल्दी जो है हीट होकर बहुत जल्दी आसानी से पक जाते हैं, राइट। और सेकेंड देखिए उसी का जो हैंडल होता है, हैंडल जो होता है प्लास्टिक हैंडल लगाया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, प्लास्टिक तो कंडक्ट ही नहीं करता, या लकड़ी का लगाया जाता है, वुडन हैंडल होता है जो कि एकदम कंडक्ट नहीं करता है, तो इसका भी यूज करते हैं, ठीक है। मर्करी मेटल इज यूज इन मेकिंग थर्मामीटर बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मर्करी का देखिए इसलिए थर्मामीटर में लगाया जाता है क्योंकि वो सबसे बेस्ट कंडक्टर कह सकते हैं या गुड कंडक्टर कह सकते हैं हीट का, इसीलिए उसका उसके अप डाउन से हम हीट करने में कोई वस्तु फैलती है एक्सपेंड करती है, तो मरकरी भी जब हीट होता है टेम्परेचर बढ़ता है तो फैलती है, राइट। उसके फैलने को लेकर जो है उसी से हम लोग बॉडी के टेम्परेचर वगैरह मेजर करते हैं। व्हाई डू वी वियर वूलन क्लॉथ इन विंटर, विंटर में हम वूलन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, क्योंकि हीट ट्रांसफर से बचने के लिए, हमारे बॉडी की हीट एटमॉस्फेयर की हीट से प्रभावित न हो, नहीं तो यहाँ की हीट वहाँ चली जाएगी। आप जानते हैं अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री है, तो हीट तो ट्रांसफर होगी हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो एक वूलन क्लॉथ होते हैं वह जो है पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जब हम स्वेटर पहन लेते हैं तो हमारे जो बॉडी की हीट है वह हमारी बॉडी तक रह जाती है, जो आउटर हीट है वो अंदर, और इट प्रिवेंट अस फ्रॉम कोल्ड स्ट्राइक्स, और ये हमें कोल्ड स्ट्राइक से बचाता है, यानी ठंड लगने से बचाता है। कन्वेक्शन क्या होता है इसको भी समझिए, सेकेंड मेथड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ लिक्विड टू इट्स कोल्डर पार्ट ऑफ
मोमेंट ऑफ गैस ऑफ लिक्विड इट्सेल्फ। जैसे उदाहरण में एग्जांपल मैं देता हूं, मान लीजिए सपोज यहां पर हम हीट कर देंगे, जनरली लिक्विड में ही होता है कन्वेक्शन, इसको अगर हीट करेंगे तो यहां के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हॉट हो जाते हैं और हॉट होने पर ये दूर ऊपर चले जाते हैं कोल्ड, और जो इसका स्थान लेने के जो कोल्ड पार्टिकल्स हैं वो इसका स्थान ले लेते हैं, फिर ये हॉट हो जाते हैं, फिर ये ऊपर चले जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे कन्वेक्शन होने लगता है। तो सच ट्रांसफर वे आप ट्रांसफर ऑफ हीट इज नोन एज कन्वेक्शन। ऐसे जो ट्रांसफर के वे होते हैं उनको आप कन्वेक्शन कहते हैं, राइट। जैसे कन्वेक्शन इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ ए लिक्विड टू इट्स कोल्डर पार्ट बाय द मूवमेंट ऑफ ए लिक्विड इट्सेल्फ। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड, सॉलिड में नहीं होता है, बिकॉज द पार्टिकल इन सॉलिड आर फिक्स्ड एट द प्लेस एंड हेंस कैन नॉट मूव अबाउट फ्रीली, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। कन्वेक्शन इन वाटर, वाटर में कन्वेक्शन होता है, वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट कैन नॉट ट्रांसफर हीट बाय कंडक्शन, इसलिए वह कंडक्शन से हीट को ट्रांसफर नहीं करता है। वाटर ट्रांसफर हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन से इन ऑर्डर टू हीट वी कीप द बेसल कंटेनिंग वाटर ओवर ए गैस बर्नर। अगर हम रखेंगे देखो ये यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है, जो एग्जांपल्स मैंने अभी आपको बताया, हियर इज द एग्जांपल्स गिवन, यू कैन स्टडी इट। वाटर इज ए गुड कन्वेक्टर ऑफ हीट, कन्वेक्शन करने वाला सबसे ही होता है। हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक केटल यूज फॉर बॉइलिंग वाटर टू मेक टी इज टू ऑल्सो फिक्स द बॉटम एट द केटल। कन्वेक्शन इन एयर्स, एयर्स में भी कन्वेक्शन होते हैं, जो गर्म हवाएं होती हैं ऊपर चले जाती हैं, ठंडी हवाएं उनका स्थान ले लेती हैं, राइट। गर्म हवाएं जैसे यहाँ का टेम्परेचर अगर अधिक है तो यहाँ की हवाएं जो है गर्म होकर ऊपर चली जाती हैं, फिर उनका स्थान लेने के लिए ठंडी हवाएं आ जाती हैं, इस तरह से विंड्स जो है स्टार्टेड ब्लोइंग। ट्रांसफर हीट फ्रॉम इट्स हॉटर पार्ट टू कोल्डर बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन बाय मूविंग इट्सेल्फ इन द, यहाँ पे देख सकते हैं हॉट एयर राइजिंग अपवर्ड एंड कोल्ड एयर सिंकिंग डाउनवर्ड टेक प्लेस अगेन एंड अगेन ड्यू टू विच ऑल एयर इन द रूम गेट्स हीटेड यूनिफॉर्मली आफ्टर सम टाइम। तो सर्कुलेटरी मूवमेंट ऑफ एयर इन द रूम विच हॉट एयर राइजेज एंड कोल्ड सिंक्स अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड कन्वेक्शन करेंट, राइट। यहाँ पे आपने देख लिया ब्लोइंग ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होता है, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज क्या होता है, जेंटल विंड इज कॉल्ड स्लो कोल्ड विंड इज कॉल्ड ब्रीज, स्लो कोल्ड विंड इज कॉल्ड ब्रीज। ब्रीज कहते हैं समुद्र के किनारे पे जहाँ पे जो तटीय कोस्टल एरियाज होते हैं, तो दिन में डे टाइम में देखो सन हॉट, दिन में डे टाइम में जो लैंड होता है वो जल्दी हॉट होता है और जो सी होता है वह कूल होता है, क्योंकि वह बहुत जल्दी हॉट नहीं होता है क्योंकि वो बिग बॉडी भी है। तो हॉट एयर जो है ऊपर जाता है और यहाँ पे जो है कि ठंडी हवाएं रहती हैं, तो ये हॉट एयर यहाँ से ब्लो करने लगता है, उसका स्थान लेने के लिए ठंडी हवाएं आ जाती हैं, राइट। उसका स्थान लेने के लिए ठंडी हवाएं आ जाती हैं, इसको हम सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द डे, ये सी ब्रीज होता है दिन के दौरान बहता है, इसको सी ब्रीज बोलते हैं, राइट। और लैंड ब्रिज भी होता है जब यहाँ पे जब ये कुछ दिन में रात में जो है ये गर्म हो जाता है और ये ठंडा रहता है, तो यहाँ से ये हवाएं ये ऊपर जाती हैं, इसका जो है कि उल्टा हो जाता है, इसको लैंड ब्रिज बोलते हैं। तो ये दोनों जो है प्रोसेस समुद्र के
किनारे होती रहती है, राइट। नेक्स्ट मैं बताऊंगा रेडिएशन। रेडिएशन थर्ड है, थर्ड ट्रांसफर आप हो गए। रेडिएशन देखिए, सूर्य से जो हमें हीट मिलती है सन से, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के फॉर्म में मिलती है। हॉट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर हीट आवर हैंड हेल्ड बिलो इट्स बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट इमिट हीट रेज। जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं वह रेज को उत्सर्जित करते हैं, और इवन हॉट ऑब्जेक्ट इमिट्स इनविजिबल हीट रेज इन ऑल द डायरेक्शन। रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी बाई मीन्स ऑफ हीट रेज विदाउट एनी मटेरियल मीडियम। उसके बीच में कोई मीडियम नहीं होता है, डायरेक्ट यहाँ पे जैसे अलाव आप लोग सुने वहाँ पे जल रहा है, यहाँ पे हमें हीट मिल रही है, दैट इज द रेडिएशन मेथड से हमें जो है यहाँ पे मिल रहा है। कोई मीडिएशन नहीं है, सन देखो उतना दे रहा है, इतना हॉट आप लोग है, बट उससे जो रेज निकल रही है, हीट रेज निकल रही है, दे आर कमिंग टू अस एंड मेकिंग अस, जिससे हम लोग हीट प्राप्त कर रहे हैं। हाउ डज हीट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ, कैसे जो है धरती पे पहुंचता है। सन इज वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, देयर इज वेरी एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस होते हैं जिससे हीट फॉर्म द सन रिचेस ऑन द अर्थ बाई द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के कारण संभव होता है। और अमाउंट ऑफ हीट विच एन ऑब्जेक्ट कैन अब्सॉर्ब बाय रेडिएशन डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कलर पर डिपेंड करता है कि कोई कितना ऑब्जेक्ट करता है। जैसे डार्क कलर ऑफ द मून, जैसे काला रंग जो होते हैं वो ज़्यादा कलर ऑब्जॉर्ब करते हैं, लाइट कलर्स कम हीट ऑब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों में हमें लाइट कपड़े पहनने चाहिए, हल्के कपड़े पहनने चाहिए, डार्क कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा और हमें और ज़्यादा गर्मी करेगा, राइट। इमिटेट्स ऑफ हीट रेडिएशन, हॉट ऑब्जेक्ट हैविंग डार्क कलर एमिट मोर हीट रेडिएशन, हॉट ऑब्जेक्ट हैविंग लाइट कलर, मैंने अभी बताया आपको। डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व हीट बेटर एंड ऑल्सो इमिट हीट बेटर देन लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट। इम्पॉर्टेंस ऑफ कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इन एवरी डे, कलर ऑफ क्लॉथ, पीपल प्रीफर टू वियर वाइट क्लॉथ इन हॉट समर डेज बिकॉज वाइट क्लॉथ ऑब्जर्व लेस हीट फ्रॉम द सन, राइट। कलर ऑफ हाउसेस, हाउसेस इन हॉट सनी कंट्रीज आर यूजली पेंटेड वाइट और विथ लाइट कलर फ्रॉम द आउटसाइड, दिस इज बिकॉज ए हाउस पेंटेड विथ वाइट विथ लाइट कलर ऑब्जर्व वेरी लिटिल सन रेज, राइट। और सोलर कुकर, द बॉक्स ऑफ सोलर कुकर्स इज पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इट इनसाइड, दिस इज बिकॉज ब्लैक सरफेस इज वेरी गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट, इट विल ऑब्जर्व मैक्सिमम हीट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। सो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच, आपको मैंने यह वीडियो बनाया और यह चैप्टर आपका समाप्त किया, थैंक यू वेरी मच।